बच्चों आज हम चर्चा करेंगे कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बारे में। कोशिका में पाए जाने वाली तमाम रचनाओं के अध्ययन से संबंधित जो शाखा है वो कहलाती है कोशिका विज्ञान। और हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे। जी हाँ, रॉबर्ट हुक, द फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका उन्होंने ही देखी थी। कोशिका के विभिन्न भागों की चर्चा करने में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला। कोशिका कला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका द्रव के चारों ओर पाए जाने वाली दोहरी कला का आवरण कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। यह मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसे लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की लगभग 5% मात्रा भी पाई जाती है। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दो प्रकार की होती है, बाह्य कोशिकाकला और अंतः कोशिकाकला, एक्सटर्नल सेल मेम्ब्रेन और इंटरनल सेल मेम्ब्रेन। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म के चारों ओर पाए जाने वाली जो दोहरी कला होती है उसे हम कहते हैं बाह्य कोशिकाकला, जबकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो विभिन्न रचनाएं हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विभिन्न रचनाओं के चारों ओर भी दोहरी कला का आवरण पाया जाता है, वह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही रचना होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल सेल मेम्ब्रेन, अंतः कोशिकाकला। और रासायनिक संयोजन, कार्य, संरचना सभी कुछ समान होती है, अतः ये भी लिपोप्रोटीनियस होती है। चूंकि कोशिका द्रव के चारों ओर, कोशिका की विभिन्न संरचनाओं के चारों ओर, सभी रचनाओं के चारों ओर पाई जाने वाली जो मूल रचना है, जो आवरण है, वो समान है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम यूनिट कला भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनकी सहायता से कोशिका द्रव तथा कोशिका के बाहर पाए जाने वाले बाह्य तरल द्रव के बीच में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान, विनिमय होता है और रासायनिक संतुलन की स्थापना की जाती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में जैसे कि अमीबा, उनमें पाए जाने वाली प्लाज्मा कला चिपचिपी और सूक्ष्मांकुर युक्त होती है जो किसी स्थान से दृढ़तापूर्वक चिपकने में सहायता करती है। बच्चों जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा कला सबसे बाहरी आवरण की भांति कार्य करती है, जबकि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा कला कोशिका भित्ति के अंदर होती है, अर्थात कोशिका द्रव के चारों ओर प्लाज्मा कला और प्लाज्मा कला के बाहर की ओर कोशिका भित्ति। तो हम ये जान चुके हैं कि जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा कला या सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी कला होती है, बाहरी आवरण होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर भी कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। प्लाज्मा कला के कार्य, प्लाज्मा कला का सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण कार्य है वह यह है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के चारों ओर, कोशिका द्रव के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाना जो बाह्य वातावरण से अंतः वातावरण को पृथक करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य यह है कोशिका के बाहर होने वाले वातावरणीय परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से अंतरांगों की सुरक्षा करना। अगला कार्य यह है कि कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन के सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से बाह्य पदार्थ और अंतः द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय और रासायनिक संतुलन स्थापित करना। कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन विसरण कार्य द्वारा या विसरण क्रिया द्वारा गैसीय विनिमय का भी नियंत्रण करती है, जो कि मुख्य रूप से श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के विसरण में सहायक होती है। सेल मेम्ब्रेन परासरण नियंत्रण का भी कार्य करती है और इस कार्य के द्वारा मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में उनके जीवन की सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संतुलन भी होता है। कोशिका कला का अगला कार्य है एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा आदि में यह
कोशिकीय उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्सर्जी एवं हानिकारक पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। अमीबा में प्लाज्मा कला सूडोपोडिया अथवा कूटपाद निर्माण का भी कार्य करती है, जिसकी सहायता से अमीबा गमन करता है और खाद्य पदार्थों को ग्रहण भी करता है। इस प्रकार प्लाज्मा कला के विभिन्न कार्य होते हैं। जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा कला की सहायता से सोडियम पोटेशियम पंप नामक एक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा रासायनिक साम्य की स्थापना की जाती है। यह हम लोग आगे की कक्षा में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ की बनी होती है। कोशिका भित्ति दृढ़, रक्षात्मक परंतु निर्जीव होती है। जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा कला के चारों ओर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा कला ही सबसे बाहरी आवरण होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा कला के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम जंतु और पादप कोशिकाओं का अंतर विभेद कर सकते हैं। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल वी कैन डिफरेंशिएट दिस जूलॉजिकल सेल और बॉटनिकल सेल, यानी सेल्स ऑफ एनिमल और सेल्स ऑफ प्लांट। कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त हेमिसेलुलोज तथा कुछ अन्य पदार्थ भी भाग लेते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य के बारे में। सेल प्लाज्म या साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका में पाए जाने वाला तरल, गाढ़ा, चिपचिपा कलिली विलयन कोशिका द्रव कहलाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में कोशिका द्रव पाया जाता है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में कई प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, जैसे ब्राउनी गति, चक्रण गति, परिसंचरण गति आदि। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव में गतियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव और यूकैरियोटिक कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी आदि निलंबित होती है। ये सभी संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूर्णतः अनुपस्थित होती है। केंद्रक या न्यूक्लियस। बच्चों, केंद्रक किसी भी कोशिका का सबसे अधिक महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसे चीफ कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका का मुख्य नियंत्रक। क्यों? क्योंकि कोशिका में होने वाली सभी प्रकार की कोशिका क्रियाओं का यह मुख्य नियंत्रक होता है। केंद्रक प्रायः कोशिका के कोशिका द्रव के बिल्कुल बीचों बीच होता है। यह गोल, अंडाकार, चपटा, सर्कलकार, कई भिन्न भिन्न आकृतियों का हो सकता है, परंतु प्रायः यह गोल या अंडाकार ही होता है। यह कोशिका द्रव के मध्य में पाए जाने के अतिरिक्त कभी कभी कोशिका के परिधि भाग में होता है, बीच वाले अंतर्वेशी भाग में भी हो सकता है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में की। केंद्रक की संख्या प्रायः सभी कोशिका में एक ही होती है। मैंने पहले ही बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक या सत्य केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक या ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या अंतर है? मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अंतर यह है कि जब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक भित्ति पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है और विशेष प्रकार का हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो वह केंद्रक सत्य केंद्रक या ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है, जो केवल
यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसी कोई भी रचना नहीं पाई जाती, इसलिए उसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक की संख्या प्रत्येक कोशिका में प्रायः एक ही होती है, तो कोशिका को हम कहते हैं एक केंद्रकीय। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें केंद्रकों की संख्या दो, तीन अथवा कई हो सकती है, तब हम कोशिका को द्विकेंद्रकीय, त्रिकेंद्रकीय अथवा बहुकेंद्रकीय कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किए गए अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो केंद्रक में कुल चार अंग होते हैं। सबसे पहला भाग केंद्रक के चारों ओर, ये केंद्रक कला, यह फिर वही प्लाज्मा कला है। इस केंद्रक कला की संरचना में भी लिपिड और प्रोटीन ही भाग लेते हैं, अर्थात केंद्रक के केंद्रक द्रव के चारों ओर पाए जाने वाली दोहरी यूनिट कला केंद्रक कला कहलाती है। इसकी बाहरी सतह और भीतरी सतह के बीच में कुछ स्पेस होता है, गैप होता है। बाहरी सतह पर राइबोसोम नाम के कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं जो चिपकी होती हैं और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। केंद्रक कला की बाहरी सतह कई स्थानों पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। केंद्रक कला में कुछ बिंदुओं पर, कुछ स्थानों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन छिद्रों की सहायता से केंद्रक द्रव तथा बाहर की ओर कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का लेन देन, विनिमय तथा रासायनिक संतुलन स्थापन किया जाता है। दूसरी संरचना या दूसरा भाग केंद्रक द्रव। केंद्रक कला के द्वारा घिरा हुआ जीव द्रव्य का अंश केंद्रक द्रव कहलाता है या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसमें अनेकों पतले धागों का बना घना जाल पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। केंद्रिका नामक रचना पाई जाती है। राइबोसोम कण, डीएनए, आरएनए, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। तीसरी संरचना है केंद्रिका। प्रत्येक केंद्रक के केंद्र द्रव में पाए जाने वाली गोल अंडाकार गहरे रंग की संरचना केंद्रिका कहलाती है। प्रायः एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका होती है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप प्याज की कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में चार केंद्रिकाओं की उपस्थिति देखी गई है। केंद्रिका में भी डीएनए, आरएनए, राइबोसोम के कण, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। केंद्रक का चौथा और अंतिम भाग है क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन रेटिकुलम। बच्चों, केंद्रक के केंद्र द्रव में अगर हम देखें तो पतले पतले धागों का बना घना जाल पाया जाता है, इसे कहते हैं क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन रेटिकुलम तथा प्रत्येक धागे नुमा रचना को हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं। यह सामान्य रूप से अस्पष्ट होता है और हमें बिल्कुल साफ साफ सूक्ष्मदर्शी में नहीं दिखाई देता, परंतु कोशिका विभाजन की मेटाफेज प्रवस्था में यह क्रोमेटिन जाल धीरे धीरे खुलने लगता है और इसका प्रत्येक धागा अलग हो जाता है और वो धागे क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन धागे। परंतु जब यह अलग हो जाएंगे तो वही क्रोमेटिन धागे अब स्पष्ट गुणसूत्र रूप में दिखाई देते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्रों की संख्या दैहिक कोशिकाओं में सदैव द्विगुणित होती है अथवा जोड़े में पाए जाते हैं, जबकि युग्मक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में तथा कुछ एक अयुग्मकी जीवों में इसकी संख्या अयुग्मित होती है, अर्थात ये जोड़े में नहीं पाए जाते। दैहिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या जाति विशिष्ट होती है, अर्थात विशेष जाति के जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल निश्चित होती है। जैसे मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अथवा 46 होती है, तो इन गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर हम विशेष जाति की पहचान कर सकते हैं। गुणसूत्र लंबे, वी की आकृति, एल की आकृति, यू की आकृति, सर्पिल भिन्न भिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं। इनकी आकृति में परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रवस्थाओं में देखा जाता है। गुणसूत्र का रासायनिक संयोजन में डीएनए यानी डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए यानी
रिबोन्यूक्लिक अम्ल, विशेष प्रकार के प्रोटीन आदि भाग लेते हैं। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसमें डीएनए महत्वपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है। डीएनए के एक छोटे से खंड को हम जीन्स की संज्ञा देते हैं और जीन्स माता पिता के से संतानों में पैतृक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का नियंत्रण करता है। इसलिए जीन को हम आनुवंशिकता अथवा वंशागति की इकाई भी कहते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसमें भिन्न प्रकार की सूचनाएं कूट के रूप में, कोड के फॉर्म में अंकित रहती हैं, जिसकी सहायता से भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। आरएनए भी न्यूक्लिक अम्ल है, परंतु आरएनए वायरस के अतिरिक्त सभी जीवों में, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसमें सभी जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। केंद्रक के कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों का नियंत्रण। इसलिए केंद्रक को हम चीफ कंट्रोलर ऑफ सेल या कोशिका का प्रमुख नियंत्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका के विभाजन के दौरान स्वयं भी विभाजित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र जाति विशिष्ट होते हैं और जाति की पहचान तथा वर्गीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। केंद्रक के केंद्र द्रव्य में पाए जाने वाली जो संरचना गुणसूत्र में रूप में होती है, उसमें पाया जाने वाला डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जो माता पिता से संतानों में पैतृक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त शरीर में या कोशिका के अंदर जितनी भी संरचनाएं होती हैं, उन सब संरचनाओं पर नियंत्रण रखना केंद्रक का ही प्रमुख कार्य होता है। केंद्रक की बाहरी दीवार की सतह पर पाए जाने वाले राइबोसोम के जो कण होते हैं, वह भी प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस प्रकार केंद्रक भी प्रोटीन संश्लेषण का एक सहयोगी अंगक माना जाता है। केंद्रक के केंद्र द्रव में डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, ये दोनों क्रियाएं होती हैं। कोशिकांग, कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली विभिन्न संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं या अंगक कहलाती हैं, सेल ऑर्गेनल कहलाती हैं। इन संरचनाओं का कार्य, इनकी संरचना, इनकी आकृति, इनकी संख्या विशिष्ट होती है और प्रत्येक संरचना के चारों ओर दोहरी यूनिट कला का आवरण पाया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि प्लाज्मा कला दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य तथा आंतरिक। तो यह आंतरिक प्लाज्मा कला का आवरण है जिसे यूनिट कला कहते हैं। इनकी संरचना भी लिपोप्रोटीनियस होती है, जैसा मैंने पहले बताया लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इन सभी अंगकों का कार्य निश्चित होता है। कुछ अंगकों की संख्या भिन्न भिन्न जाति की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रवस्थाओं में बदला करती है। सबसे पहले हम अध्ययन करें माइटोकॉन्ड्रिया। सभी यूकैरियोटिक कोशिका में आवश्यक रूप से पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह परिपक्व आरबीसी अर्थात लाल उद्रिकणिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जूते की आकृति में दिखने वाला एक अंगक है, इसलिए इसे शू शेप सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर भी दोहरी यूनिट कला का आवरण पाया जाता है, जैसा मैंने पहले ही बताया। इस आवरण से घिरा हुआ जो अंदर तरल गाढ़ा प्रोटीन युक्त पदार्थ है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों जो दोहरी कला पाई जाती है, उसमें जो भीतरी कला है वह मैट्रिक्स में धंसकर अनियमित आकृति बना लेती है, जो उंगली के समान अथवा नलिकाकार होती है। इन आकृतियों को क्रिस्टी अथवा ट्यूबली कहते हैं। इन क्रिस्टी या ट्यूबली की सतह पर टेनिस के बैट की भांति विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम की संरचना में तीन भाग होते हैं,
बाहरी भाग हेड, सबसे ऊपर का भाग, सबसे नीचे का भाग बेस या आधार, और बीच का भाग वृंत या स्टेम। बेस और आधा वृंत क्रिस्टी में धंसा हुआ होता है, इसलिए हमें स्लाइड में अध्ययन किए जाने पर केवल हेड वाला भाग ही दिखता है। ऑक्सीसोम में एटीपी संश्लेषण का कार्य होता है, अर्थात ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता है। आप जानते हैं कि जीव शरीर में प्रयोग होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। उसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर पाए जाने वाले ऑक्सीसोम में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर पाए जाने वाले टेनिस के बल्ले की भांति संरचनाएं ऑक्सीसोम कहलाती हैं, जिसके हेड वाले भाग ही हमें दिखते हैं, बाकी निचले भाग क्रिस्टी में धसे होते हैं। इसी ऑक्सीसोम को F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। इसमें ATP निर्माण की क्रिया होती है, ATP संश्लेषण की क्रिया होती है। मैंने पहले बताया कि जीव शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें जो ऊर्जा का व्यय होता है वो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा के रूप में होता है, उसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे जीव जगत का सिक्का भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा तरल गाढ़ा पदार्थ जिसे हमने मैट्रिक्स बताया था, उस मैट्रिक्स में DNA, RNA, राइबोसोम के कण, विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। वो एंजाइम श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा संचय और ऊर्जा के आपूर्ति अर्थात सप्लाई का कार्य करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर, पावर हाउस या जनरेटर भी कहते हैं। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है, इसकी आकृति, इसका आकार भी भिन्न भिन्न होता है, परंतु सामान्यतः 3 से 5 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है और ये 40 माइक्रोमीटर तक लंबी हो सकती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना की खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में रेखित पेशियों में की थी, परंतु रिचर्ड अल्टमान ने इसे सर्वप्रथम कोशिकाओं में 1890 में देखा, लेकिन इसे उन्होंने बायोप्लास्ट का नाम दिया। जबकि 1897 में सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। इसे कुछ वैज्ञानिकों ने कॉन्ड्रियोसोम का भी नाम दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, जैसा कि मैंने पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, पावर हाउस होता है, तो इसका प्रमुख कार्य है ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का संचय और ऊर्जा की आपूर्ति करना, अर्थात यह श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ATP के निर्माण, ATP के संचय और ATP के सप्लाई आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाने वाला जो DNA है उसे कॉन्ड्रियोजीन भी कहते हैं। यह भी कुछ लक्षणों की वंशागति में के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।